तो गाइज स्वागत है आपका इस चैनल पे। गाइज आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि वो टॉपिक एक ऐसा होने वाला है कि यार वो कोई टॉपिक ही नहीं होने वाला है। तो मैं सही बोलूँगा यार, आज कोई ऐसा टॉपिक नहीं है पर्टिकुलर कि मैं उस टॉपिक पे बात करूँगा। थोड़ा सा ब्लॉग वीडियो है, मतलब अपने बारे में बताऊँगा और आपको भी बताऊँगा कि भाई अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो या मोटिवेशनल या स्टार्टअप कर रहे हो या कोई ऐसा आप बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हो या कुछ ऐसे काम करते हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा चैनल है स्टार्टअप बिज़नेस और इस सब चीज़ों से रिलेटेड मैं चीज़ें बताता हूँ और वेबसाइट का थोड़ा चीज़ें हैं और बहुत सारी ऑनलाइन प्रोसेस है जो मैं बताता हूँ, तो आप उनको देख लीजिए। देखो यार कोई टॉपिक नहीं है। अब क्या होता है, अब आपने स्टार्टअप किया तो स्टार्टअप के लिए मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं कि भाई आप उनको जाके देखो और कैसे आप स्टार्टअप कर सकते हो, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी। स्टार्टअप के लिए आपको कुछ सोचना नहीं, आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, दिमाग में अपने आप आता है स्टार्टअप आपका खुद का, तो आप वो सोच सकते हो, अपने स्टार्टअप को ला सकते हो और वो खुद सोच के अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ वीडियो में बताया है। अब देखो यार यहाँ पर जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं कहाँ से कमाता हूँ, अर्निंग करता हूँ मैं भी, तो मेरी भी अर्निंग हो जाती है अच्छी खासी। मैं कहाँ से कमा लेता हूँ तो यूट्यूब से तो अभी मुझे कोई इनकम नहीं होती क्योंकि अभी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो आगे जाके कभी ना कभी सब्सक्राइबर आएंगे तो गूगल एडसेंस से मुझे पैसे मिलेंगे। और चलो उसका तो बहुत दूर की बात है और मिलेंगे नहीं मिलेंगे कभी पता नहीं, लेकिन वीडियो तो मैं आपके लिए बनाता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को देखो और इंस्पायर हो, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और अगर लाइक करते हो शेयर करते हो तो मुझे अच्छा लगता है और वीडियो की रैंकिंग भी बढ़ जाती है। तो ये हो गई ये अर्निंग के बाद यूट्यूब की, तो ज़ीरो अर्निंग। इसके बाद बात करते हैं मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का, जो मेरा कंपनी है, मेरा काम करवाता हूँ, मतलब मैं सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ लोगों को, वेबसाइट डेवलपमेंट करके देता हूँ मैं, तो ये मेरा एक मेन काम है, जो मेरा काम है तो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम है। तो मैं आपको ये वेबसाइट बना के देता हूँ। कई लोगों के फ़ोन आते हैं, जैसे मेरे ऐड डाल के रखे हैं फेसबुक और बहुत सारे सोशल मीडिया पे, तो ऑनलाइन लोग देख के मुझे कॉल करते हैं, फिर मैं उनका काम करवा के देता हूँ उनको, ठीक है। तो ये हो गई मेरा काम और वहाँ से मैं अर्निंग कर लेता हूँ करीब। अब देखो अर्निंग तो मतलब कितना अर्निंग यार, महीने का मुझे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं 5-6 प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग बिड कर देता हूँ, फ्रीलांसिंग बिडिंग करता हूँ तो वहाँ से भी अर्निंग हो जाती है। तो 40,000 तो कहीं नहीं गया यार, 30-40 तो मिल ही जाते हैं, ठीक है, आराम से मिल जाते हैं मेरे को। उसके बाद वो ऊपर की अर्निंग है कि भाई जैसे मैंने लास्ट मंथ काउंट किया था तो 1,00,000 रुपये तक गया था, तो इस तरह से अर्निंग होती रहती है मेरी चीज़ों में, तो मैं वहाँ से भी कमा लेता हूँ। इसके बाद जब बात करते हैं हम अब और चीज़ों की, तो यार देखो मेरा अदर काम है, जैसे प्रॉपर्टी का भी काम, रियल एस्टेट का काम और सॉफ्टवेयर बना के उनको SEO करवाना, तो ऐसी बहुत सारी सर्विस, ऑनलाइन लोगो डिज़ाइन करना, किसी को कोई एडवाइस लेना है तो वो एडवाइस हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से थोड़ा 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 अर्निंग करके मैं कमा लेता हूँ। तो ये हो गई अर्निंग की बात। अब देखो आप लोग कैसे कमाओगे, आप लोग भी कमा सकते हो, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, बस दिमाग चाहिए, दिमाग चलाना है आपको, अपने माइंड को काबू में रखना है और उसको यूज़ करने के, भाई हम कहाँ पे कौन सी चीज़ों में अपने दिमाग को लगा सकते हैं, क्या करें ऐसा जहाँ से हमको अर्निंग हो जाए, पैसा मिलने लगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं यार कि बहुत सी जगह मैं देखता हूँ कि भाई बहुत से लोग क्या करते हैं कि उस पैसे को ना जोड़ जोड़ के रखने लगते हैं। तो यार अगर आप स्टार्टअप करो करना चाहते हो, बहुत बड़े लेवल में जाना चाहते हो, तो पैसे को जोड़ के कोई मतलब नहीं, उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिले, ठीक है। अगर आप फ्री बैठे रहे तो घर में, अभी आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, अब स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हो, तो अभी सोच रहे हो ना, तो सोच रहे हो तो उसके साथ आप उनको स्टार्ट कर लीजिए, कुछ चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें सोचिए, कुछ ऐसी चीज़ें घर में लाइए, बुक्स लेके आइए घर में, है ना, ऐसी चीज़ें, ऐसी DVDs लाइए, ऐसे मूवीज़ डाउनलोड कीजिए जहाँ से आपको थोड़ी मोटिवेशनल मिले। पैसा खर्च हो तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उसको जोड़ के रखने में कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको आगे बहुत जाना है, तो पैसा भी खर्च कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो अगर आप YouTube में भी चैनल बनाना चाहते हैं, वहाँ से भी अर्निंग करना चाहते हैं कि भाई YouTube में चैनल बना लें, वहाँ से हम कमाई कर लेंगे, तो मैं भैया बता दूँ YouTube में ग्रोथ नहीं है। अब बहुत पोटेंशियल, बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको 4 साल लग जाएँ अपने चैनल को ग्रो करने में, है ना। अब जब आप अच्छा कंटेंट बना के दोगे तो हो सकता है 2-1 साल में आपकी वीडियोज़ ग्रो कर जाएँ, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम जो YouTube के होते हैं, तो वहाँ से भी आपको चैनल बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप अच्छा कंटेंट दोगे तो गारंटेड है आगे जाके सक्सेस हो जाओगे, बहुत पोटेंशियल है आगे जाके इसमें भी, तो YouTube से भी अर्निंग कर सकते हो। अब देखो अर्निंग करने का एक और है, वीगो वीडियो। अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आपको मस्ती और मनोरंजन करना है, थोड़ा सा आप चिल करते हो, तो अपनी चिल वीडियो, अपनी कॉमेडी वीडियोज़ लोगों तक दिखाओ, वीगो वीडियो,
वीगो में पैसा भी मिलता है आपको, फ्लेम मिलते हैं डॉलर के रूप में, तो वहाँ से भी जाके आप अपनी वीडियोज़ बनाओ जहाँ से आपको कुछ अर्निंग होगी। अगर अच्छे खासे फॉलोवर बढ़ गए कुछ दिन में तो आप एक वीडियो डालोगे आपको फ्लेम मिलने लगेंगे, ठीक है। तो वीगो में भी आप पैसा कमा सकते हो। अब देखो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं यार, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फाइवर से प्रोजेक्ट उठा सकते हो, अगर आप में थोड़ा वेब डिज़ाइनर हो, अगर आप वेबसाइट डेवलप करते हो, अगर आपसे कुछ कोडिंग बनती है, कुछ ग्राफिक्स डिज़ाइन बनता है, वीडियो एडिटिंग बनती है, इमेज को डिज़ाइन करना पड़ता है, फोटोशॉप आता है, तो यार ऑनलाइन प्रोजेक्ट उठा सकते हो आप। अब देखो मैं मानता हूँ कि भाई फ्रीलांसर में इतने जल्दी प्रोजेक्ट उठाना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो ना। कोशिश करने से कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पैसा दे दो फ्रीलांसर को, 200-300 रुपये, इसके बाद आपको प्रोजेक्ट की बिड लगानी पड़ेगी और वहाँ से आप प्रोजेक्ट ले सकते हो। बिड लगाने के लिए आप प्रोसेस देख सकते हो दूसरी वीडियो में, तो वहाँ बताएंगे भाई बिड कैसे लगाई जाती है। तो ये चीज़ यार आपको दिमाग लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा भाई हमको करना किस चीज़ से, अर्निंग कैसे करनी है, हम ऐसा क्या काम कर दें जहाँ से हमको अर्निंग मिलने लगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भाई, आपको बस सोचना है, करना है। ये नहीं कि भाई आपने सोच लिया यार, ऐसा है देखो अब आपके फील्ड के हिसाब से सोचें, अगर आप पढ़ने में एक्सपर्ट हो, आप किसी और को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, तो वैकेशन टाइम में आप काम कीजिए। गर्मियों की छुट्टियां हैं, अगर गर्मी का मौसम है तो आप गर्मी के मौसम में समर कैंप खोल सकते हैं 2 महीने के लिए। 2 महीने में आप 1,00,000 रुपये कमा सकते हो समर कैंप में। देखो अब आपको कोर्स लिखना है, ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको कोर्सेस लिखना है 1 by 1, ऐसे लाइन से आपने कोर्स लिख लिए कि हम डांस सिखाते हैं, म्यूज़िक सिखाते हैं, हम गिटार सिखाते हैं, हम मेहंदी सिखाते हैं, हम क्राफ्ट वर्क सिखाते हैं, हम घड़ा बनाना सिखाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के कोर्स करवाइए, 2-3 बंदों को हायर कर लीजिए, 2-3 लड़कियाँ और 2-3 मेल फीमेल को आप हायर कर लीजिए कि भाई आपको ये सिखाना है। तो आपके पास जब आप उसकी पब्लिसिटी कर दोगे समर कैंप की, तो पर स्टूडेंट आप 1,000 रुपये फीस लोगे, तो 2 महीने के लिए आपके पास बहुत सारे बड़े स्टूडेंट आ जाएंगे। और वहाँ से आप अगर 100-200 स्टूडेंट भी जुड़ गए ना, तो आपके पास अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। आप जोड़ लीजिए, लगा लीजिए कि पर स्टूडेंट से 1,000 मिला, एक स्टूडेंट ने 1,000 रुपये दिया, तो आपको जब 200 स्टूडेंट हो जाएंगे तो कितना पैसा होगा। अब उसमें से आप 2-5 हज़ार रुपये करीब आपने उनको सैलरी दीजिए स्टाफ को, और बाकी पैसा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से कमाया जाता है। अब देखो गर्मी निकलने के बाद ठंडी आ जाएगी, तो कोचिंग क्लासेस से स्टार्ट कर दो, कोचिंग प्रोवाइड करवाओ अगर आप पढ़ने में एक्सपर्ट हो। तो इस तरह से कमाना सोच सकते हैं, अर्निंग करना सोच सकते हैं। अब ऐसा नहीं यार कि आप बैठ गए एक जगह पे सोचने लगे और सोचते ही रह गए और टाइम निकल गया, बस सोचते रह गया, तो यहाँ पे एक गड़बड़ होगा, है ना। और गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा। ये एक ब्लॉग वीडियो था, तो आपने कुछ सीखा होगा इससे, बहुत सारी चीज़ें सीखा होगा, और होप आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखो इतनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो के लिए, तो ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।